हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सभी अच्छे हैं खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ जानेंगे अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है आपकी लाइफ में इसमें आपकी वर्क लाइफ आपकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ सब कैसी रहेगी तो अक्टूबर मंथ क्या खुशियाँ ब्लेसिंग अबंडेंस गाइडेंस लेकर आ रहा है आपके लिए जो आप जो हो सकता है आपको जानने की ज़रूरत है तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं रीडिंग और देख लेते हैं कि क्या आने वाला है लेकिन फिर भी शुरू करने से पहले बता दूं कि जनरल प्रोडिक्शन है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है डिटेल में जानना है तो इसका भी ऑप्शन है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आई का लिंक मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप मुझको डी कर सकते हैं और अगर आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं मुश्किल आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए मैं आपको वहाँ पर लिंक भेज दूंगी ठीक है तो आप मुझे कांटेक्ट कर कर पाएंगे लेकिन मेक श्योर कि आप डिटेल सारी पढ़ लें कि क्या टर्म एंड कंडीशन हैं रीडिंग बुक कराने की ओके okay? और बहुत टाइम से मैं लाइव आने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैं नहीं आ पा रही थी लेकिन अब मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं कल ठीक इसी टाइम ठीक है लाइक साढ़े नौ या दस बजे के आसपास मैं लाइव आऊँगी और मैं इसका पोस्ट कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट करने वाली हूँ सो दैट आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी मैं कितने बजे लाइव आ रही हूँ ठीक है और कौन सा सेशन मैं रखूँगी तो बहुत ही फन एक्टिविटी हम फिर से करेंगे और आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लेकर आना ठीक है वहाँ पर डिस्कस करेंगे लाइव सेशन में और कल मैं लाइव आ रही हूँ ओके okay? ये मेरा प्रॉमिस है तो अब रीडिंग पर आते हैं स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपका अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा ओह वाह पहले ही हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स का, का कार्ड आ गया है एंड एट ऑफ कप्स

जो कि बॉटम ऑफ द डेक से है ओके okay. थोड़े से कार्ड्स को अरेंज कर देती हूँ मैं आपको दिखाई दे हम्म, अक्टूबर मंथ हमारे पास नंबर एट भी है यहाँ पर और नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर नंबर एट एंड नंबर जीरो एंड नंबर वन भी है नंबर वन तो हमारे पास दो बार है यानी कि वी हैव वन वन इलेवन नंबर मास्टर नंबर ओके सो यस ये अक्टूबर मंथ न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है ठीक है मैं बिल्कुल श्योर हूँ बिकॉज वी हैव टू एसेस और दोनों एसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं लाइक like, ये आपके वर्क को दिखा रहा है और ये आपके कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क को दिखा रहा है आपका कोई भी अक्टूबर में अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क पेंडिंग है या नहीं हो पा रहा है कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस मंथ में ये चीज़ें होने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यह काम आपका हो जाएगा ठीक है एस ऑफ पेंटिकल्स अगर ये मुझे ऐसा मैसेज दे रहा है यहाँ पे ये कार्ड लाइक अगर फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज अगर आप देख रहे थे पूरे सितंबर मंथ या मिड सितंबर से अगर आपने देखा है तो ये भी आपका रिजॉल्व होने वाला है लाइक like, रुकी हुई ब्लेसिंग्स या फिर कह लीजिए जो आपके काम नहीं बन रहे थे या आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे अक्टूबर मंथ से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा पहले से आपका ना जो भी प्रोसेस चल रहा है आपके फाइनेंसिस का या फिर आपके वर्क में जो भी है ठीक है ये चीज़ें भी दिख रही है इमोशनली थोड़ा सा अपसेट हो इस मंथ में ऐसा दिख रहा है बिकॉज ऑफ थ्री ऑफ सोट्स एनर्जी ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि हो सकता है देखो ये इस वजह से भी हो सकता है कि टाइम ही ऐसा है कि आपके रिश्ते अभी थोड़े धीरे 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 ठीक हो रहे हैं ठीक हो रहे हैं मैं क्यों बोल रही हूँ बिकॉज वी हैव थ्री ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स और साथ में हमारे पास ना ये थ्री ऑफ swords की भी एनर्जी है यहाँ पर तो ये थ्री ऑफ सोट्स की एनर्जी देखो सेलिब्रेशन में ही बदल रही है तो अक्टूबर मंथ आपके इस हार्ट एक यानी कि ये जो आप इमोशनल लॉस में हो ना इसको धीरे धीरे हील करेगा और आप देख रहे हो फिर ये सेलिब्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे आपके रिश्ते भी मुझे काफ़ी इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं अक्टूबर एंड एंड तक ना बहुत अच्छा टाइम देखोगे आप अपनी लाइफ में अक्टूबर एंड तक ठीक है बहुत अच्छा टाइम आप अट्रैक्ट करोगे यहाँ से मुझे आप थोड़ा मूव ऑन करते हुए भी दिख रहे हो अच्छी बात है देखो टेंशन से तो मूव मूव ऑन आप होना ठीक है बिल्कुल होना चाहिए और बहुत स्पीड में आप ये चीज़ करने वाले हो यू हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये भी यहाँ पर शो हो रहा है बिकॉज टेन ऑफ वॉन्ट्स कार्ड दिखा रहा है कि आपके पास कुछ ऐसा काम है जो कर करने में अच्छा नहीं है लेकिन आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है आपको ये काम करना पड़ रहा है ताकि आप ऊँचाइयाँ छू सकें ठीक है तो जो भी है जैसा भी टाइम डिवाइन आपको दिखा रहे हैं आप उसमें इन्जॉय करने की कोशिश करें खुश रहने की कोशिश करें ठीक है एक तरीके से न्यू बिगिनिंग एक अक्टूबर मंथ एक न्यू बिगनिंग फूल कार्ड एकदम फ्रेश न्यू बिगनिंग है इस इंसान को कुछ नहीं पता कि ये क्या आगे एक एक्शन एक 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 लेने वाला है बिकॉज़ इसकी आंखें भी क्लोज हैं और ये जो भी नई बिगनिंग है इसको पता है कि थोड़ी सी रिस्की भी है लेकिन फिर भी ये इसको कोई नॉलेज नहीं है ये जैसे जैसे लोगों से मिलेंगे आगे जैसे आप सिनेरियो देखोगे टाइम देखोगे है ना किन लोगों से आप मिल रहे हो आपको आइडिया लगेगा कि आपको और अब आगे कैसे बढ़ना है ठीक है तो बिल्कुल फ़्रेश न्यू बिगनिंग है ये और हमारे पास यहाँ पर भी दो दो एसेस के कार्ड्स हैं तो ये न्यू बिगनिंग आपको नहीं पता कहाँ तक लेकर जाएगी लेकिन जो भी है अगर आप हौसला रखते हैं और अच्छे से काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा टाइम आप अट्रैक्ट कर सकते हो ठीक है लेकिन यहाँ पर द फूल कार्ड मैं ये बोलूँगी आपको तो आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता है ना तो आपको पता है आपको क्या चीज़ें इग्नोर करनी है किन चीज़ों को कंसीडर करना है सो तो दैट आप एक अच्छा आउटकम लेकर आ सकते हो अपनी लाइफ में तो अक्टूबर मंथ में इमोशनली जो भी विथड्रॉल uh, हो रहा है आपको वो भी देखो धीरे 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 हील होगा साथ में टू ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आपके कनेक्शन में भी इम्प्रूवमेंट सा इंप्रूवमेंट तो होगा और पता है अक्टूबर मंथ में ना ये वाला कार्ड अगर इन दोनों को हम मिला दें तो रिकन्सिलियशन दिखाता है ठीक है तो रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है आपके पार्टनर के साथ और अगर आप यहाँ पर सिंगल हैं तो देखो दो दो एसीज़ के कार्ड्स हैं तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ अरेंज मैरिज वाला प्रपोज़ल आ रहा है क्योंकि ये वाला एस ऑफ सूट्स कार्ड प्रपोज़ल भी दिखा रहा है मुझे ठीक है आपने बहुत सारी चीज़ों को सरेंडर किया सरेंडर कर कर चलना और जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनकी डेथ हो तो जानी है तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा टाइम आप अट्रैक्ट कर रहे हो तो जैसा भी है जितना भी इमोशनली हर्ट हो रहे हो इस इससे ना आपका क्राउन छाकरा बैलेंस होता है जितना हिट होगा उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव हो गए बैलेंस हो गए तो ये आप एक प्रोसेस में हो तो इस पर ना डाउट मत किया करो बस थोड़ा सा टफ़ टाइम में स्ट्रॉन्ग बन जाया करो कि आपने आपने ऑलरेडी बहुत डिफिकल्टीज़ देखी हैं अपनी लाइफ में आप यहाँ तक आए हो इतनी आगे तक आपने बहुत हिम्मत से यू you नो know, हर चीज़ को मैनेज किया है तो अब आप क्यों घबरा जाते हो जब ये भी थोड़ा सा अभी पता है क्या हो रहा है इससे और कुछ नहीं हो रहा है इससे आपका प्रोसेस में ना डिले आ रहा है क्योंकि फिर डिवाइन आपकी लाइफ में देखो आपने कुछ चीज़ें नोटिस की होंगी कि थोड़े थोड़े टाइम में सेम सिचुएशन रिपीट हो जाती है ठीक है और जब वो सिचुएशन रिपीट हो रही है अब वो चाहे आपके वर्क में है या आपकी पर्सनल लाइफ में है या आपके कनेक्शन में है जब वो चीज़ रिपीट होती है तो डिवाइन देखते हैं कि अब ये इंसान कैसे बिहेव करेगा क्या ये नॉर्मल रहेगा या पहले की तरह ही परेशान होगा तो अगर आप पहले की तरह ही परेशान हो रहे हो इट मीन्स आप वो लेसन पास कर ही नहीं रहे हो आपको डर लग रहा है आपको डाउट आ रहा है आप टेंशन में आ रहे हो तो यानी कि आप हर उस परीक्षा में लोअर फ्रीक्वेंसी जोन में ही दिख रहे हो डिवाइन को समझ रहे हो आप तो फिर बताओ वो कैसे आपको आगे बढ़ा देंगे जब आप में इम्प्रूवमेंट ही नहीं आया तो अगर चैलेंज आ रहा है सिचुएशन रिपीट हुई है तो आपको ये समझना चाहिए ना पहले भी तो सॉल्व हो गई थी तो अब भी हो जाएगी आपको अपने मिशन पर फोकस करना है अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ना है तो यही चीज़ें होती हैं कि आप फिर बोलते हो कि ऐसा हो रहा है बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है ठीक नहीं हो रही है रिपीट हो रही है तो आप अपने सोचने का तरीका भी तो बदलो आप जैसे पहले परेशान हुए थे अब डिवाइन को उस तरीके से परेशान होकर मत दिखाओ हिम्मत दिखाओ कि यस हम इस चीज को हैंडल कर सकते हैं हम इस चीज के साथ भी खुश रहने की कोशिश कर सकते हैं तो फिर वो चीज़ रिपीट नहीं होगी अब ये आपके हाथ में आपको क्या करना है ठीक है चलो और देखते हैं फ्रेम फाउंडेशन नंबर फोर वी हैव रिजॉय ये फिर से आ गया थ्री ऑफ कप्स का कार्ड अगेन वी हैव एंड वी हैव स्परिचुअल यूनियन ये कार्ड भी रिपीट हो गया इस अक्टूबर मंथ में आपका स्पिरिचुअल यूनियन हो सकता है जस्ट फोकस ऑन योर वर्क फोकस ऑन दिस फाउंडेशन लाइक आपको ये बिल्ड करना है गाइस तभी आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा और जहाँ सेलिब्रेशन है वहाँ चीजें अच्छी हो जाती हैं आप खुश रहना शुरू करते हो और आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हो फिर चलो ये तीन कार्ड एक साथ आ रहे हैं इनको देखते हैं अवेयरनेस स्टैंड योर ग्राउंड एंड पैशन इग्नाइटेड यू नो नंबर वन के कार्ड देखो फिर से दो दो आ गए ये कार्ड एस ओ टाइम जस्ट फो अपना पैशन फॉलो कीजिए अवेयर हो जाइए अपनी सिचुएशन से भी हा लॉट ऑफ साइकिल सो इट मीन्स कि नए साइकिल में जा रहे हो नई नई जर्नी में जा रहे हो नए नया चैप्टर शुरू हो रहा है लाइफ का सो अक्टूबर मंथ आपको बहुत ज़्यादा तरीके से हील करेगा एक बार यहाँ से भी कार्ड देखते हैं यहाँ से इमोशनल विड्रॉल है ये जाएगा आपकी लाइफ से ठीक है सो so अभी तक जितनी भी मिस्टेक किया उसके लिए डिवाइन को सॉरी बोला करें एवरी डे और अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए ब्लेसिंग्स और गाइडेंस भी मांगा करें कि कैसे हम अपने पास्ट के जो भी कर्म है उनको हील कर सकें उसके लिए हिम्मत दें आशीर्वाद दें ठीक है इस तरीके से डिवाइन से बातें किया करें सो so, येस yes, बहुत अच्छा टाइम आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो आप देख रहे हो ना तो इसमें बिल्कुल स्टैंड लिया जाएगा और आप लोगे स्टैंड आप अपने सारे काम टाइम पर कंप्लीट करोगे और चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी तो बहुत अच्छा मंथ है गाइज़ काफ़ी इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ मैं इसमें होते हुए बस आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने सारे काम कीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए ओके दिस इज़ योर रीडिंग आई होप कि आपके साथ रेजुनेट हो आपको पसंद आई हो अभी के लिए बस इतना ही बाय टेक केयर